सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम टेक मैन। सो गाइस, क्या आपका बजट है 10,000? क्या दोस्तों आप लोग 10,000 के बजट में कोई एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो? दोस्तों क्या आपका पता नहीं अंडर 10,000 में कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन बेटर होगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 3 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए आपको 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है दोस्तों इसका प्रोसेसर, और दूसरा चीज जो है आपको इस मोबाइल में रैम और स्टोरेज आपको ज्यादा होना चाहिए, और बैटरी क्वालिटी आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होना चाहिए स्मार्टफोन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतनी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो आपको ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब के बेल घंटी जरूर बजा देना। सो दोस्तों चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। ओके दोस्तों, नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो आपको रियलमी नार्जो 20A स्मार्टफोन आपको मिलेगा, जो की दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 में मिलेगा फ्लिपकार्ट में। जो की दोस्तों इस मोबाइल के फीचर्स के बारे में बात करो तो आपको 5 इंचेस एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा, जो कि कंपनी ने इस मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी दिया है। दोस्तों आप बात कर रहे थे इस मोबाइल के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस मोबाइल में कंपनी जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट के साथ दिया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ऑक्टाकोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। जीपीयू के बारे में बात करें तो दोस्तों इस मोबाइल में आपको एड्रीनो 610 जीपीयू के साथ आपको मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल की प्रोसेसर के बारे में बात करो तो आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग प्रोसेसर के साथ दिखने को आपको मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल की रैम और स्टोरेज के बारे में बात करो तो आपको 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज, और आपको अंडर 10,000 में आपको 4GB रैम के साथ आपको 64GB तक स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों कंपनी ने जो है बहुत ही पावरफुल बैटरी के साथ दिया है रियलमी नार्जो 20A स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों आपको 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा ये स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन आपको मिलेगा अंडर 10,000 में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है रियलमी नार्जो 20A स्मार्टफोन के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके दोस्तों, नंबर 2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत ही अच्छा फीचर के साथ देखने को मिलेगा अंडर 10,000 में, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन आपको Amazon में मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इस मोबाइल में 6.5 इंच फुल एचडी प्लस का आपको डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन साथ दिया है। दोस्तों आप बात कर लेते इस मोबाइल के प्रोसेसर की, तो कंपनी जो है मीडियाटेक हीलियो G80 का आपको चिपसेट के साथ दिया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, ऑक्टाकोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। दोस्तों इस मोबाइल में आपको माली G52 MC2 का आपको जीपीयू के साथ मिलेगा। गेमिंग की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग प्रोसेसर के साथ दिखने को मिलेगा रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन। और दोस्तों इस मोबाइल में जो है आपको अंडर 10,000 में 4GB रैम के साथ आपको 64GB स्टोरेज मिलेगा, और एक आपको 4GB रैम के साथ आपको 128GB तक स्टोरेज मिलेगा, जो कि आपको 128GB वाला स्टोरेज आपको थोड़ा अलग प्राइस आपको देने को मिलेगा। तो दोस्तों इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस मोबाइल में आपको 5020mAh का आपको बैटरी मिलेगा, वो भी आपको 18W फास्ट चार्जर के साथ। तो दोस्तों बैटरी क्वालिटी आपको डेफिनेटली बहुत ही आपको पावरफुल मिलेगा, और बैटरी पावरफुल बैटरी के साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर भी मिलेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन अंडर 10,000 में अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है या नहीं है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। ओके दोस्तों, नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में बात करो तो पोको M2 स्मार्टफोन। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो बहुत ही अच्छा फिजिक्स देखने को मिलेगा, जो कि अंडर 10,000 में दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट में। दोस्तों इस मोबाइल के फीचर्स के बारे में बात करो तो आपको इस मोबाइल में 6.53 इंच फुल एचडी प्लस आपको डिस्प्ले के साथ मिलेगा, वो भी गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों इस मोबाइल में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा दिया है कंपनी ने। और दोस्तों इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में बात करो तो इस मोबाइल में भी दोस्तों आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का आपको चिपसेट के साथ मिलेगा, जो कि दोस्तों इस मोबाइल में आपको ऑक्टाकोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है, और दोस्तों आपको माली G52 MC2 जीपीयू के साथ आपको मिलेगा ये स्मार्टफोन। गेमिंग की परफॉर्मेंस दोस्तों मेरे ख्याल से आपको नो डाउट इस मोबाइल में बहुत ही पावरफुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल में आपको अंडर 10,000 में आपको 6GB रैम के साथ आपको 64GB तक स्टोरेज मिल रहा है। तो रैम और प्रोसेसर इस मोबाइल में आपको डेफिनेटली बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा अंडर 10,000 में। दोस्तों इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करो तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा पावरफुल बैटरी के साथ दिया है, जो कि दोस्तों इस मोबाइल में आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा, और दोस्तों 18W फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी पावरफुल बैटरी के साथ आपको फास्ट चार्जर भी आपको मिल रहा है।
तो दोस्तों ये था नंबर वन स्मार्टफोन अंडर 10,000 में बहुत ही अच्छा गेमिंग वाला। तो दोस्तों आपको अंडर 10,000 में कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन बेटर लगा है ये तीनों स्मार्टफोन से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही था टॉप 3 गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 10,000, आपको कौन सा बेटर लगा है मार्केट प्राइस के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।